निखिल से अलग होने के बाद दलजीत ने दर्द सहकर बिताई प्यार की निशानी। दोस्तों, टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर एक बार फिर से अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। पहली शादी के बाद दलजीत की दूसरी शादी में भी काफी विवाद देखने को मिल रहा है। दलजीत ने शालीन भनौट से तलाक के बाद बीते साल NRI बिजनेसमैन निखिल पटेल से शादी की थी, लेकिन उनकी ये शादी भी अब खत्म होने की कगार पर है। इस शादी को लेकर सोशल मीडिया पर भी जमकर बवाल देखने को मिलता है। शादी के महज कुछ ही दिनों बाद निखिल और दलजीत के अलग होने की खबर आ गई थी। दलजीत ने निखिल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। इसी बीच अब एक्ट्रेस ने निखिल के प्यार की निशानी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। आपको बता दें, दलजीत कौर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो को शेयर किया। इस फोटो में दलजीत एक टैटू शॉप में नजर आ रही हैं। दरअसल दलजीत और निखिल ने एक दूसरे के लिए टैटू बनवाया था। इस टैटू में टेक टू लिखा हुआ था। इसी टैटू को अब दलजीत कौर ने अपने पैरों से हटवा दिया है। दलजीत की इस फोटो में आप देख सकते हैं, वो अपने टैटू को मॉडिफाई करवाती हुई नजर आ रही हैं। इस फोटो के ऊपर उन्होंने लिखा, इस बार दर्द शारीरिक नहीं है। आपको बता दें, दलजीत कौर और निखिल पटेल दोनों ही एक दूसरे पर तमाम इल्जाम लगाते हुए आजकल नजर आते हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए खूब सारी बातें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से दलजीत कौर ने अपने प्यार की निशानी को हटा दिया है, तो ये तय है कि अब वो निखिल पटेल से बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। आपको बता दें, निखिल से पहले दलजीत कौर ने शालीन भनौट से शादी की थी। वहीं उनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई थी। शालीन से तलाक के बाद दलजीत कौर ने NRI निखिल पटेल से 10 मार्च 2023 में शादी की थी। दोनों की शादी में उनके आसपास के दोस्त और परिवार के लोग मौजूद थे। शादी के बाद दलजीत केन्या चली गई थी, लेकिन जनवरी 2024 में वो अपने बेटे के साथ मुंबई लौट आई थी। इसके बाद दलजीत ने निखिल के साथ अपने रिलेशन में आई खटास को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार हिंट दिया था। वही फैंस जो हैं, वो भी दलजीत कौर के लिए परेशान रहते हैं। वेल, आपका क्या कहना है कमेंट करके दोस्तों बताइएगा जरूर। इसी तरह टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई ढेर सारी अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक के पेज को फॉलो करें।